से ही आप लोगों के लगातार सवाल आ रहे थे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हुई, और लगातार आप लोग पूछ भी रहे थे कि ब्रजवासी जी की केस थी। देखिए, पहली बात तो ब्रजवासी जी का केस ही है, समरेंद्र बहादुर सिंह जी का केस है वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, जिसकी सुनवाई कल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आपके हक में कुछ ऐसी रिलीफ दिए हैं, एक पॉइंट पे सरकार को भी अच्छी तरह से फटकार लगाई है, और उनका वो चीज जिसको लेकर कि हम लोग परेशान थे कि वो डिले टैक्सिस में लेके जा रहे थे केस को और आराम से अपना एग्जाम कंडक्ट करा रहे थे, और ये उनकी प्लानिंग थी कि एग्जाम के साथ ये चीज कंसिडर करवाएंगे कि 70% लोगों ने जो है फॉर्म भरा है, दैट मीन्स दे आर कंसर्न, दे आर एक्सेप्टेड आवर रूल्स की, मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हम एग्जाम दे देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को कंसीडर कराने के चक्कर में सरकार लगी थी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर ऑब्जर्वेशन दे दी है, पहली चीज तो ये है, और दूसरा क्या है कि मिसकाउंटर भी उसको जो है करवा दिया गया है, तो मिसकंस्ट्रू कहा जाता है उसको, वो भी करवा दिया। ये तमाम चीजें हुई हैं जो आपके पक्ष में, उन चीजों को ठीक करने की हम लोगों ने कोशिश की जो आप लोगों की एकता में कमी होने की वजह से जो है ये बहुत बड़ी गड़बड़ी आ गई कि आप लोग एग्जाम में बहुत सारे साथी चले गए हैं, और इसकी वजह से सरकार के पास एक मजबूत पक्ष है कि सब लोग एग्री कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई, इसके पहले देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एक जो है प्रमोद कुमार यादव जी की याचिका जो है ये 19 तारीख को ही फाइल हो गई थी, यही संबंधित कंसर्न में इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आपको हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग के पक्ष में बहुत बड़ी बड़ी चीजें आई हैं जो आपके लिए रिलैक्सेशन है। ये भी है उसके अंदर कि मतलब सरकार को भी और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दे दिए हैं और हाई कोर्ट को स्पेशली उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिए हैं, ये जो चीजें हैं आपके पक्ष में होंगी, और नौकरी की सुरक्षा और एग्जाम को रद्द करने की बात, इन दोनों पहलुओं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन रखे हैं, हालांकि सुनवाई बहुत लंबी नहीं हुई। तो चलिए मैं सारे पहलुओं पर आपसे बात करूंगा वन बाई वन करके। चैनल पर नए या पुराने साथी आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको कि आपके केस के अंदर क्या क्या चीजें हुई। देखिए, सबसे पहली चीज ये हुई थी कि जो आप सबका कंसर्न था और आप लोगों का कंसर्न ये मतलब था, और सरकार की जो टैक्टिक्स थी उसे ऑनरेबल कोर्ट के पटल पे रख दिया गया, और कोर्ट ने उसको कहा कि हम इसको मिसकंट्रू कर रहे हैं। तो ये क्या था मैं बताता हूं, ये है कि मान लीजिए कि जैसे एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, सरकार ने रोक नहीं लगाई, और आवेदन 70% से ज्यादा नियोजित शिक्षकों ने कर दिया, तो ऐसे में ये ना कहा जाए आगे चल के ऑनरेबल कोर्ट के सामने सरकार ये पक्ष ना रखे कि सारे नियोजित शिक्षक इससे सहमत हैं और किसी ने कोई दिक्कत कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया इस एग्जाम को लेकर के, इसलिए जो है एग्जाम कंटिन्यू हो और प्रॉपर तरीके से हो, हमारा आपत्ति दर्ज किया जाए। कोर्ट ने कहा बिल्कुल आप हमारे पास आए हैं, दैट मीन्स कि आपकी ये दिक्कत है, और सरकार इसको जो लेकर के अब जो है सरकार इसको लेकर के ये नहीं कहेगी कि आपको दिक्कत नहीं है, आपकी दिक्कत नोट कर ली गई है, और ऑनरेबल हाईकोर्ट इस चीज को कंसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा। पहली चीज तो ये बड़ी बात होगी कि सरकार का ये खेल खराब हो गया। दूसरी चीज ये जो था कि जब आपको याद हुआ कि हाई कोर्ट के अंदर जब सुनवाई चल रही थी, तो वहां पर जब समिति की रिपोर्ट दिखाई गई और ये कहा गया कि नियोजित शिक्षकों को आप नौकरी से निकाल देंगे, ऐसे पे सरकार ने ये कह दिया था कि ये तो सिर्फ एक कमेटी की रिपोर्ट है, हम इसे लागू नहीं करने वाले हैं। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा था ये आप एफिडेविट में दीजिए, आपको काउंटर एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। सरकार उसको लेकर के डिले कर रही थी, जिसको लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को साथ सरकार की तरफ से देखिए कहते हैं नादकर्णी जी थे सीनियर एडवोकेट, वो सरकार का पक्ष रख रहे थे, उनको साफ साफ उनके जरिए सरकार को बिहार से कहा गया कि सरकार को ये कहिए कि इसमें वो डिले टैक्टिक्स ना इस्तेमाल करें, डिले ना करें, इसमें किसी तरह की रोक की प्रक्रिया ना करें, जितनी जल्दी हो सके इस मामले का निस्तारण करें। ये हो गया। अब आ जाते हैं आपके इस केस के अंदर दूसरा जो पक्ष था। देखिए, आपके पास यहाँ बहुत अच्छी बात ये थी कि आपको भारत सरकार के पूर्व सॉलिसिटर जनरल जो थे रंजीत कुमार सर और नारायण नादर सर, यहाँ तक अजय बंसल सर भी आप लोगों के साथ थे, और ये सारे लोग नियोजित शिक्षकों का पक्ष कोर्ट के अंदर उठा रहे थे, और वहां पर कोर्ट ने ये कहा कि देखिए प्रमोद जी की याचिका में हम लोगों ने पहले ही ये हाई कोर्ट के अंदर जो चल रहा है आपका 13 तारीख को जिसकी सुनवाई है उसमें कुछ डायरेक्शंस दे रखे हैं, इसलिए हम अभी इस पे जब तक कि हाई कोर्ट का मामला क्लियर नहीं होगा हम इस पे कोई फैसला नहीं देंगे। अब इसमें ये चीज आती है कि मैं आपको रूल्स आप टीचर हैं आपको मैं समझाता चलूं, जब भी कोई मामला हाई कोर्ट के अंदर विचाराधीन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें
आदेश देने से बचता है, क्योंकि वो हाई कोर्ट की गरिमा का ख्याल रखता है कि अगर हाई कोर्ट भी सेम ही मैटर सुन रहा है तो पहले उसका फैसला आ जाए, ताकि वो सुपर स्वीपनाथ हो जाए, क्योंकि बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है उसको पहले नहीं देता। ये एक प्रोटोकॉल होता है, हालांकि ये रूल नहीं है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट करती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके लिए अभी इसमें कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट ऑलरेडी इसी सेम मैटर को सुन रहा है। तो यहाँ पर यह कहा गया कि सर ठीक है, लेकिन इसमें जो सरकार की तरफ से डीले हो रही है और हाई कोर्ट की तरफ से 26 अप्रैल से और 26 से ऑलरेडी फरवरी से एग्जाम चालू है, मार्च तक खत्म हो जाएगा, जब तक सुनवाई होगी तब तक एग्जाम हो जाएगा, फिर ये लोग रिजल्ट लाएंगे ऐसे में, और फिर वो कमेटी की राय शामिल करेंगे, ऐसे में हमारे लिए दिक्कत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए तुरुप का इक्का है, जो आपके पक्ष में सबसे अच्छी बात है, वो कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। हाई कोर्ट को हम ऑब्जर्वेशन देते हैं, हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया कि भाई 13 मार्च को जब भी आप सुनवाई करते हैं आप इसमें प्रॉपर ऑर्डर जारी कीजिए पूरे मामले की सुनाई करके, और इसमें जो है तीन चीज़ें आप पहले से इसमें कीजिएगा कि पहला तो कि शिक्षक इसके विरोध में है, ये आपको करना पड़ेगा, आप 70 मतलब इस चीज़ को आपको कंसीव करना पड़ेगा। साथ ही सरकार किसी भी तरह का इसमें डिले नहीं करेगी, और 13 मार्च को आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग फैसला लेकर के डायरेक्शन देना पड़ेगा, ये कहा है। तो मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम इस मामले को देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपकी याचिका स्वीकार हुई और इस पर कोर्ट ने इसको डिसमिस नहीं किया है। ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय ने उन्होंने कहा है कि आप पहले हाई कोर्ट का ये मामला खत्म कर लीजिए, अगर वहां से आपको मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे पास आने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अब इसमें 13 मार्च को हाई कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट को तीन चीज़ें जो आपकी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए, और साथ ही सरकार को भी एक डायरेक्शन मिल गया है कि सरकारें अब इसमें डिले नहीं कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ तौर पर कर दिया है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो इसमें फैसला जारी करे 13 तारीख को, इसमें कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन फाइनल इंस्ट्रक्शंस दे, ताकि ये जो नियोजित शिक्षक हैं जिनकी नौकरी की सुरक्षा की बात है या फिर एग्जाम को लेकर के जो इनका प्रतिरोध है गतिरोध है इस पर लेकर के आप अपना फैसला दीजिए। तो ये बड़ी सुनवाई है, इसमें आपको लग रहा है इसमें कुछ खास नहीं है, खास ये है कि आपकी पॉइंटेड नोट हो गई है कि आपका ऑब्जेक्शन कि भाई हम सहमत नहीं है, दूसरा कि हमारी नौकरी जाने का कोई मतलब नहीं, इसको लेकर के और बल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप आइएगा हमारे पास हाई कोर्ट के फैसले के बारे में। अब इसमें बड़ी बात यह है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट को अब ये चीज़ समझ में आएगी कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ऑब्जर्व कर रहा है, और ऐसे में हाई कोर्ट जो है बहुत तेज़ी से अपना काम करते हैं, जो बार बार डेली जैसे कि आपने देखा एक ही बार में इतना लंबा डेट दे दिया गया जिसकी वजह से सारा खेल खराब हो गया, और अब इसमें जो है फैसले जो हैं वो आपके पक्ष में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और इसके लिए एक और बेहतर बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप सब नौकरी कर रहे हैं, आप लोग नौकरी लेने वाले नहीं हैं, आप लोग नौकरी कर रहे हैं, और जो नौकरी करते हैं ना उनका राइट टू जॉब होता है, राइट टू लाइफ होता है, जिसकी प्रोटेक्शन को सरकार को करना पड़ता है, और ये जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट कहीं से भी आपके लिए जो है नौकरी के लिए घातक नहीं किया जा सकता, ये रूल्स है इसके। तो आप लोग परेशान ना होइए, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी मिल गई होगी। चैनल पर नया पुराने साथी आज तक नहीं जुड़े तो जुड़ लीजिएगा, सब्सक्राइब करके मिलता हूँ, प्रणाम। तो ये थे हाई कोर्ट पटना के सीनियर एडवोकेट अमित पांडे जी, जिन्होंने कि स्पष्ट रूप से अपनी सारी बातों को रखा और आपको समझाने की कोशिश की और पूरी गहराई से बातों को रखा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि अमित पांडे जी ने जो बातें रखी हैं वो कितना क्लियर कर दिया है। एक बात तो क्लियर कर दिया गया है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है जब उसमें मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्शन दे देता है कि आपका जो हाई कोर्ट है उसमें जाकर जो है सुनवाई हो, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं ना कहीं हाई कोर्ट उस मामले पे ज़रूर ध्यान देती है, ज़्यादा सतर्क हो जाती है कि भाई कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इसकी सुनवाई ठीक प्रकार से की जाए, निश्चित समय पे की जाए और पहले नंबर पे की जाए। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, पसंद है तो शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।